Hi beautiful angels, this is Mystic C from Magic Wands Tarot and this is how your new moon will be, what is coming next, what blessings are coming for you friends. This is फ्रेंड्स ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे हो सकता है ना करे, सो जो कर रहा है उसे रख लें बाकी को जान दें. जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लो फ्रेंड्स. यस अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है जल्दी से सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लो फ्रेंड्स. इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो एज मैजिक वेंस टैरो. टू बाय अ पर्सनल रीडिंग विजिट आवर वेबसाइट www.magicwenstarot.com. एंड फ्रेंड्स आज हम देखेंगे कि न्यू मून है कैंसर में, सो हैप्पी हैप्पी न्यू मून फ्रेंड्स. इट्स अ पावरफुल न्यू मून क्योंकि द सन इज़ ऑल्सो इन कैंसर एंड द मून इज़ ऑल्सो इन कैंसर एंड इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट अस फॉर द नेक्स्ट सिक्स मंथ्स. एंड बहुत अच्छी मैजिकल एनर्जीज, इंटेंस एनर्जीज है आज हम देखेंगे डिटेल में. और बाहर जो है अभी अभी बारिश शुरू हो गई है, सो ये अब फाइनली हो सकता है थोड़ी राहत मिले इस बेहद गर्मी वाले दिनों से. आई होप आप लोग अच्छे हो और आप जहाँ हो वहाँ पे मौसम सुहाना रहे और आप हमेशा खिलखिलाते मुस्कुराते रहें. सो फ्रेंड्स आज डिटेल में देखेंगे इस रीडिंग में व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट, यू नो व्हाट विल हैपन इस न्यू मून पे आपके लिए क्या होगा. चलिए देखते हैं एंड जल्दी चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लो फ्रेंड्स. एंड और तो कोई अपडेट है नहीं फिलहाल, सो लेट्स सी व्हाट एल्स. आपका न्यू मून कैसा रहेगा पहले देखते हैं फ्रेंड्स. थीम ऑफ द न्यू मून क्या है? ओ वाओ, सो काफ़ी सारे कार्ड्स ड्रॉप आउट हुए. लेट्स सी द मून. ओ माय गॉड, न्यू मून की बात हो रही है और न्यू मून का ही कार्ड आया, सो परफेक्ट. सो डेफिनेटली फ्रेंड्स जो ये जो न्यू मून है ये आपके इमोशंस को अफेक्ट करेगा, पार्टनरशिप्स को अफेक्ट करेगा. सो डेफिनेटली उस उन चीज़ों पे ऊपर हाईलाइट बहुत है. आई डू फील के अगर आपको बहुत रेस्टलेसनेस लग रही है या आपके आप अपने पास्ट से कुछ पास्ट में आपके दर्द हैं, चैलेंजेस रहे हैं फ्रेंड्स, उनसे आप रिकवर कर पाओगे या उनकी हीलिंग आपको मिल पाएगी इस न्यू मून के साथ. सो दैट्स अ वंडरफुल एनर्जी. थोड़ा इमोशनल टाइम रह सकता है आपके लिए और इमोशंस हाई रह सकते हैं. टेन ऑफ पेंटिकल्स, येस अ लॉट ऑफ मनी पे फोकस रहेगा, करियर पे फोकस रहेगा, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी पे फोकस रहेगा आप लोगों का. सो इन सब चीज़ों को लेकर आप बहुत इमोशनल भी फील कर सकते हो, यू नो. ऑल्सो एट द सेम टाइम आप इनको लेकर बहुत पैशनेट भी फील करोगे. वर्क है, करियर है, पैसा है, इमोशनल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, आपको सब चाहिए. ऑल्सो फ्रेंड्स ये जो न्यू मून है इसके अंदर आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रह सकता है, सो काइंडली उसको यूज़ करें. क्रिएटिविटी बहुत हाई रहेगी, उसका अच्छा यूज़ करें. एंड आई डू सी के कुछ शांति और पीस और सुकून मिलने वाला है. ऐसा लग रहा है जैसे दिल ढूंढता है सुकून के, फुर्सत के, वो रात दिन आपको फुर्सत नहीं मिल रही है, सुकून नहीं मिल रहा है. अगर सुकून है तो राहत नहीं मिल रही है. अगर राहत मिलती है तो दिल को परेशानी है, समवेयर यू आर फ्रस्ट्रेटेड या कोई आप दर्द से गुजर रहे हैं, कोई लॉस से गुजरे हैं, तो वहाँ पे आपको हीलिंग मिलेगी फ्रेंड्स. ये जो न्यू मून है आपको हीलिंग लेके आ रहा है और पीस और सुकून लेके आ रहा है, टू मेक पीस विद योर पास्ट और विद योर करंट सर्कमस्टेंसेस. सो बहुत अच्छी एनर्जी है. एंड द टेन ऑफ पेंटिकल्स, येस पैसे आ रहे हैं. देर इज़ अ कार्ड दैट्स फ्लिप्ड, द वर्ल्ड, येस. ओ माई गॉड, लुक एट दैट. सो कम्प्लीशन एंड अ न्यू स्टार्ट. सो कुछ चीज़ें कम्प्लीट होने वाली हैं और कुछ चीज़ें नई स्टार्ट होंगी आपकी लाइफ में. सो बहुत ही पावरफुल एनर्जीज हैं क्योंकि दो मेजर अरकाना ऑलरेडी आ चुके हैं फ्रेंड्स. सो दिस न्यू मून इज पावर पैक्ड. सो फ्रेंड्स थोड़ा सा बच के और संभल के रहिएगा. यस लॉन्ग टर्म डिसीजंस के बारे में ज़्यादा आप सोचेंगे इस न्यू मून पे और आने वाले दिनों में भी. ऑल्सो ग्लोबल चीज़ों को लेके, एनवायरनमेंट को लेके और ये जो वर्ल्ड सिचुएशन है इसके ऊपर भी आपका काफ़ी फोकस बना रहेगा. सो दैट इज़ ऑल्सो देयर. बट द मेन थिंग इज़ फ्रेंड्स आपको कोई इमोशनल और फाइनेंशियल हीलिंग मिलने वाली है इस न्यू मून से. सो वॉट विल हैपन ऑन दिस न्यू मून, ये फोकस पे रहेंगी चीज़ें आपके लिए. सो दैट इज़ डेफिनेटली देयर. लेट अस सी के आपके लिए नेक्स्ट इस न्यू मून से वॉट विल हैपन. लेट सी दैट वॉट विल हैपन विद दिस न्यू मून फॉर आवर व्यूअर्स. वॉट विल हैपन विद न्यू मून फॉर आवर व्यूअर्स, द चैरियट. येस आपकी लाइफ में सक्सेस आने वाला है, आपके रुके हुए काम चलने शुरू हो जाएंगे, जो भी बंद रास्ते थे वो शुरू हो जाएंगे, जो बंद कम्युनिकेशंस थे रिलेशनशिप्स में वो भी खुलने लगेंगे फ्रेंड्स. और डेफिनेटली काफ़ी चीज़ें लाइफ में एक पेस आएगी आपके. एंड द फोर ऑफ वॉन्स, येस कमिटमेंट मैरिज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स आप लोगों के लिए. सो यू देर इज़ अ चांस कि आप लोगों की
यू नो मैरिज के बारे में आप सोचेंगे, कमिटमेंट के बारे में भी सोचेंगे. कुछ लोगों को मैरिज प्रपोजल्स भी मिल सकते हैं इस न्यू मून के. ब्लेसिंग है कि यू मे गेट अ मैरिज प्रपोजल या कोई न्यू सोलमेट पार्टनरशिप या ट्विन फ्लेम आपके या जो भी सोलमेट हैं उनसे वापस बात होगी आपकी, क्योंकि रीयूनियन की बहुत स्ट्रांग वर्ड इज़ लाइक रीयूनियन, रीयूनाइटिंग, कंप्लीटिंग एंड रीयूनाइटिंग. सो बहुत स्ट्रांग एनर्जीज हैं मैरिज, कमिटमेंट, घर, फैमिली, इन सब चीज़ों के ऊपर आपका ध्यान काफ़ी रहेगा. एंड आई डू सी के हो सकता है कोई फैमिली में वेडिंग होने वाली है जल्दी या आपकी होने वाली है, सो दैट एनर्जी इज़ ऑल्सो देयर. एंड डेफिनेटली अगर आप सिंगल हैं कमिटमेंट का चांस है. अगर आप मैरिड भी हैं और रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही थी तो भी यू नो बादल गरज रहे हैं. आज काफ़ी रोमांटिक और काफ़ी मिस्टिकल माहौल है, इसीलिए आज मैंने कैंडल भी यूज़ की, बहुत टाइम से नहीं की थी. सो या एंड द हर्मिट, यस, काफ़ी टाइम से फ्रेंड्स आप लोग अकेले फील कर रहे थे, लोनली फील कर रहे थे. अब जो है आप जो है धीरे धीरे करके ये न्यू मून आपको जो है सोशलाइजिंग कराएगा, लोगों से वापस मिलवाएगा. और जो कुछ भी जो लोग आपसे दूर थे, खफा थे, या जैसे जिनके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन थी आपकी, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, आई डू फील वहाँ पर रेजोल्यूशंस होंगे इस न्यू मून की वजह से. लड़ाई झगड़े रिश्तों से हटके आपको जो है प्यार मोहब्बत बढ़ेगा. एंड आई डू फील कि आपको एक सेंस ऑफ मेच्योरिटी रहेगा कि यस आपने बहुत कुछ अचीव करा है. सो वर्क और करियर की अगर बात करो तो फेम आ रही है फ्रेंड्स आपके लिए, या सक्सेस आ रहा है, जो स्पेशली आपने पास्ट में एक्सपीरियंसेस और रिवॉर्ड मतलब हार्ड वर्क किया है उसके आपको जो है इस न्यू मून के साथ जो है रिवॉर्ड्स मिलने शुरू होंगे. थोड़ा सा वक्त लग सकता है क्योंकि ये न्यू मून क्या है, थोड़ा मून कैंसर में है, सो थोड़ा सा इट्स नॉट इन अ फायर साइन कि आपको बहुत ऐसे ऐसे करके यू नो आग लगाई और बस माचिस जलाई और आग लग गई, ऐसा नहीं है. यहाँ पे बादल इकट्ठे हुए और फिर जाके बारिश हुई और यू नो ऐसा है, तो थोड़ा सा वक्त लग सकता है आपका प्रमोशन की न्यूज़ आने में, या आपके मार्क्स अच्छे आने में, या यू नो आपका कोई न्यू जॉब आने में, या एक्स्ट्रा पेमेंट्स आने में, लेकिन डेफिनेटली आपको मिलेंगे. ऑल्सो आई सी कि आप में एक मेच्योरिटी रहेगी इस न्यू मून से कि यस आपको पास्ट को लेके एक मेच्योरिटी रहेगी कि हाँ जो था हुआ, जो ठीक था या जो भी था लॉसेस या जो भी रिग्रेट्स हैं, पेन है, वो आप आराम से हैंडल कर पाओगे. कोई पर्सन है फ्रेंड्स जो आपसे काफ़ी दूर हैं, डिस्टेंस पे हैं, बातें नहीं हो रही हैं, कुड बी अ ट्विन फ्लेम, एक्स हस्बैंड वाइफ, लवर, सोलमेट, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस या कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं, वो पर्सन आपसे बात करने आएंगे. यस, इनके साथ आपका टावर मूवमेंट हुआ है, लड़ाई झगड़े हुए हैं. आई डू फील कि ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत इमोशनल एनर्जी है यहाँ, आपके आपको बहुत मिस करें. इनफैक्ट अपने आप को ये पर्सन कोस भी रहे हैं कि हमने क्यों आपको आपसे दूर हो गए, क्या किया ये वो. सो यू नो ये पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं इस न्यू मून के ऊपर. एंड आई डू सी अ रीयूनियन हैपनिंग. क्लैरिफाई द टावर प्लीज़. द मैजिशियन, यस, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं फ्रेंड्स. आई डू फील आप लोग भी जिस पुराने दर्द और जिस झटकों से आप निकले हो ना फ्रेंड्स, जो भी आपने झटके सहे हैं ना उनसे आप बहुत आप उनसे कुछ अब अलग हटके मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो. एंड यस यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट इट, सो डोंट वरी. कुछ लोगों के लिए यस यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट. अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो शादी आपकी बहुत स्ट्रांग चांसेस हैं, सो कीप मैनिफेस्टिंग. अगर आप दुआ कर रहे हो कि कोई न्यू सोलमेट मिले, यस आपको मिलेगा, सो कीप मैनिफेस्टिंग. अगर आप दुआ कर रहे हो कि कोई रीयूनियन हो सके, यस, वो पर्सन भी सेम आपके लिए दुआ कर रहे हैं कि आप दोनों वापस मिल पाएँ. एंड यू कैन सी ये पर्सन की लाइट जो है बिल्कुल आप पे है. आई थिंक कुछ ट्रुथ हैं जो आपको अभी तक पता नहीं चले हैं, कुछ ब्लेसिंग्स हैं जो अभी तक आपको नहीं मिली है. जैसे ये ट्री भी इधर से दिख रही है, इसके पीछे से नहीं दिख रही है, जैसे चांद का भी हमें एक ही चेहरा दिखता है और दूसरी साइड नहीं दिखती है फ्रेंड्स. तो कुछ ब्लेसिंग्स अभी तक आपको नहीं मिल पाई हैं, वो अब मिलेंगी इस न्यू मून के साथ फ्रेंड्स. थोड़ा सा सब्र रखना ज़रूरी होगा क्योंकि मैंने जैसे पहले भी कहा है आपको कि मून भी सन दोनों कैंसर में है, सो बहुत क्विक यहाँ गेन्स नहीं होंगे या बहुत क्विक डेवलपमेंट्स नहीं होंगे, लेकिन डेवलपमेंट्स बहुत पॉजिटिव, बहुत फुलफिलिंग और बहुत खुशनुमा होंगे. द स्टार, यस फ्रेंड्स, आपकी विशेज बहुत बहुत जल्दी पूरी होने वाली हैं, सो कीप मैनिफेस्टिंग. आई ऑल्सो फील के आपकी दुआ बहुत जल्दी कबूल होगी फ्रेंड्स, तो बहुत नेसेसरी है इन दिनों आपको पॉजिटिव रहना. अगर आप नेगेटिव सोचोगे फ्रेंड्स वो भी कबूल हो जाएगा. सो प्लीज़ थोड़ा सा पॉजिटिव रहें बिकॉज ये जो न्यू मून है आपको दोनों ही, देखिए आप टावर भी सोच सकते हो या आप मैजिशियन के बारे में भी सोच सकते हो, आप पास्ट को रिग्रेट कर सकते हो या आप कुछ नया बिल्ड भी कर सकते हो. सो दोनों है, ट्राई टू स्टे पॉजिटिव बिकॉज बहुत स्ट्रांग और इंटेंस एनर्जीज़ हैं और बहुत मैजिकल एनर्जीज़ हैं. सो स्टे पॉजिटिव.
ऑल्सो आप लोगों की क्रिएटिविटी बहुत हाई रहेगी। आई डू सी कि आप लोग कुछ लोग जो हैं, अगर आप लोग सोशल मीडिया पे काम स्टार्ट कर सकते हो इस वक्त, बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप ऑलरेडी कर रहे हो तो आप बहुत सक्सेसफुल रहने वाले हो। आप कुछ डेयरिंग ज़रूर करोगे इस न्यू मून के साथ, यू नो, कि जैसे आपने कुछ पहले कभी नहीं किया था, जैसे यू नो कोई न्यू हेयर कट ट्राई करना है, या जैसे आपने बहुत टाइम से डेटिंग नहीं किया था बट यू विल स्टार्ट डेटिंग, टॉकिंग टू पीपल। सो काफ़ी नई चीज़ें आप करने वाले हो इस न्यू मून पे, सो विच विल बी वेरी एक्साइटिंग फॉर यू। हो सकता है आप कोई नया जॉब या कोई बिजनेस भी स्टार्ट करो और वो काफ़ी अच्छा जाएगा, बस थोड़ा पॉजिटिव रहें। द फोर ऑफ कप्स, येस, आई डू फील फ्रेंड्स के ये जो न्यू मून है इसमें आप काफ़ी बिजी भी रहने वाले हो फ्रेंड्स, बिकॉज इमोशनली मेंटली आप काफ़ी बिजी रहोगे। सो अनदर थिंग इज़ आई सी के यू नो कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार है कि ये कब होंगी कब होंगी। आई डू फील कि कुछ आपका ऐसा भी मन करेगा कि आप एक्शन ना लो अपने ड्रीम्स के प्रति। ड्रीम्स तो हैं, पैशन भी है, लेकिन एक्शन लेने का मन नहीं कर रहा, या आप डाउट कर रहे हो लें या नहीं लें। सो डाउट की एनर्जी हो सकती है इस न्यू मून फ्रेंड्स, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद है या कोई, जैसे आपको लग रहा है कि हमें कुछ नया स्टार्ट करना चाहिए, डाउट नहीं रखना है, या तो आप स्टार्ट करोगे, बिकॉज डाउट विल किल दिस मैजिक फ्रेंड्स। तो मैजिक यहाँ पे जो है ये ख़त्म हो जाएगा, सक्सेस बहुत है आपको। तो डाउट अगर आप करोगे या सिर्फ प्रोकेस्टिनेट करोगे, जैसे बैठे हो वेट ही कर रहे हो और कुछ काम नहीं करना है, तो आपको मज़ा नहीं आएगा फ्रेंड्स लाइफ में। ये जो न्यू मून है बहुत सुंदर एनर्जीज लेके आ रहा है। सो पहली यू नो इसको हम कैसे डील करेंगे, पॉजिटिविटी के साथ, सेकेंडली एक्शन के साथ, थर्डली ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचना है क्योंकि इमोशंस। सो फ्रेंड्स, इस न्यू मून पे जो है पॉजिटिव रहना और हैप्पी रहना बहुत ज़रूरी है लॉन्ग टर्म में आपके लिए। एंड काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं फ्रेंड्स। ऑल्सो हो सकता है कि आपको कुछ फिज़िकल एक्टिविटी करने का मन ना करे, जैसे यू नो थोड़ा रिलैक्स करने का मन करेगा, थोड़ा रेस्ट करने का मन करेगा। इट इज़ अ गुड थिंग फ्रेंड्स, ये आपको करना चाहिए। वॉट एल्स विल हैपन, लेट्स सी विद दिस न्यू मून। द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी पर्सन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं फ्रेंड्स। ऑल्सो आपके थोड़े डिफेंसेस, आपकी सेंसिटिविटी थोड़ी हाई हो सकती है, यू नो यू मे फील अ बिट सेंसिटिव चीज़ों को लेके और लोगों को लेके, या जो पर्सन आ रहे हैं आपकी लाइफ में यू नो उनको लेके आप थोड़े से डिफेंसिव, या यू नो आपके थोड़ी बाउंड्रीज हाई हो सकती है फ्रेंड्स इस न्यू मून के साथ, बिकॉज इन बहुत इमोशनल एनर्जी है द फूल। सो येस, अ न्यू स्टार्ट इज़ हैपनिंग फॉर यू, लेकिन आप थोड़े केयरफुली इस न्यू स्टार्ट को फॉलो करोगे। ऑल्सो आई सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और मैसेजेस आने वाले हैं फ्रेंड्स आप लोगों के लिए, लेकिन आप बहुत एक्साइटेड तो रहोगे, लेकिन आप बहुत ही प्लान करके उनको मूव करोगे इस न्यू मैसेज पे, या जैसे न्यू पर्सन आ रहे हैं, या कोई न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी, या कोई न्यू न्यूज़ आ रही है, जो भी, उस पर आप बहुत मतलब बहुत मैच्योर डिसीजंस लोगे। एंड आई डू सी कि आपको ऑनलाइन लोगों फ्रेंडशिप्स या ऑनलाइन कनेक्शन ज़्यादा मिलेंगे। सो ऑनलाइन मैसेजेस वगैरह हैं काफ़ी ज़्यादा आ सकते हैं, सो वहाँ पे ऑनलाइन आपकी प्रेजेंस ज़्यादा रहेगी। आई थिंक काफ़ी सारे लोग, आप लोग वापस जिन्होंने ब्लॉक किया है वो आपको डी ब्लॉक करेंगे, अनब्लॉक करेंगे, और जो काफ़ी सारे लग रहा है मुझे आप लोग सोशल मीडिया से दूरी बनाए हुए थे, तो आप लोग वापस भी जाओगे वहाँ पे। यस, टेन ऑफ कप्स, अल्टीमेट हैप्पीनेस। आई डू फील आप लोगों के अगर फैमिली में प्रॉब्लम्स थी तो वो रिजॉल्व होंगी, फैमिली के साथ बहुत ही अच्छा टाइम बीतेगा आप लोगों का, एंड प्रॉब्लम्स, वरीज और सपोर्ट काफ़ी रहेगा इमोशनल, और ये जो पुरानी चिंता वगैरह है वो दूर हो जाएगी। सो इट्स अ ब्यूटिफुल टाइम, एंड सम ऑफ यू में एक्चुअली अगर आप सिंगल हो तो डेफिनेटली आपका शादी करने का या किसी के साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करने का बड़ा मन करेगा। एंड आई डू फील चांसेस हैं फॉर अ रोमांटिक डेट। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, देखिए, इट्स अ ब्यूटिफुल कार्ड, आई लव इट। एंड आई डू सी के येस, आप हो सकता है कहीं घूमने वगैरह जाएंगे, जो कि बहुत ही आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। यू विल फाइंड इट वेरी एक्साइटिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, अगर आप ट्रैवल वगैरह कर रहे हैं, या कोई मूवी या कुछ ऐसा कोई गेट टुगेदर जिससे आपका मन अच्छा लगेगा। नॉट फॉर यू, आई डू फील फ्रेंड्स जो चीज़ें आपने खोई हैं वो आपको किसी ना किसी तरीके से इस न्यू मून में वापस मिल जाएंगी। यू नो जो आपने कुछ खोया है उससे बेहतर आपको अब कुछ मिल जाएगा, या उससे रिकवरी हो जाएगी। आई डू फील कि कोई पर्सन है जो आपको छोड़ के रिजेक्ट करके गए थे, आई डू फील वो वापस आना चाह रहे हैं। बहुत स्ट्रांग एनर्जी है, दे वांट टू टॉक टू यू, एंड नो प्लेस लाइक होम। येस, आई डू फील कि आप लोगों को घर पे रहने का थोड़ा ज़्यादा मन करेगा, या यू नो
कुछ ना करने का मन कर सकता है, थोड़ी लिथार्जी हो सकती है. मिल्क एंड हनी, यस. आई डो फील फ्रेंड्स के कम्फर्ट, यू नो, फैमिली कम्फर्ट, जैसे फाइनेंसेस भी अपने को कम्फर्ट ही देते हैं एक तरीके से. सो इन सब चीज़ों पे बहुत फोकस रहेगा आपका कि यू नो, हम न्यूट्रिशन अच्छा लें, खाना अच्छा खाएं, डाइट अच्छी रखें, वापस जिम जाएं, फिटनेस करें, एंड अ चेंज इन द विंड. यस, चेंजेस आ रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए. सो स्टे फोकस्ड. आई डू फील काफ़ी सारे लोग आप जो हैं वापस पुराने पर्सन के आने के बावजूद भी उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं या नहीं करेंगे, बिकॉज़ यू आर वेरी श्योर ऑफ व्हाट यू वांट. फ्रेंड्स, आप लोग अब बहुत श्योर हो आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए. सो वो एनर्जी डेफिनेटली है यहाँ पे. लेट अस सी व्हाट एल्स विल हैपन विद दिस न्यू मून फॉर आवर व्यूअर्स. हो सकता है काफ़ी सारे लोग जॉब छोड़ना चाह रहे थे, तो उस डिसीजन को भी आपको क्लैरिटी मिले कि क्या करना है क्या नहीं. What will happen with this new moon for our viewers, friends and colleagues? Yes, नए लोग आ रहे हैं. फ्रेंड्स, बहुत पीपल ओरिएंटेड है ये न्यू मून आप लोगों के लिए. सो आपको नए फ्रेंड्स, नए कलीग्स और जो रिलेशनशिप्स, पुराने दोस्तों के साथ दोबारा बात होना, बहुत सारे यू नो, पुराने रिश्तों के साथ रीयूनियन, डिसेप्शन. यस फ्रेंड्स, जो पर्सन आपको धोखा, आपका इंट्यूशन बहुत शार्प रहेगा फ्रेंड्स. तो आई डोंट थिंक सो कोई भी आपको चीट कर सकता है इस न्यू मून, बिकॉज योर एनर्जी इज़ वेरी वेरी शार्प. एंड जो छुपी हुई चीज़ें, जैसे मैंने आपको बोला, जो चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं, छुपी हुई हैं, वो भी सामने आएंगी, उजागर होंगी. तो दैट एनर्जी इज़ देयर. व्हाट एल्स विल हैपन फॉर दिस न्यू मून फॉर आवर व्यूअर्स? डिक्रीज, यस. आई डू फील जो दर्द हैं, दुख हैं, वो कम होंगे, चिंताएँ आपकी कम होंगी और खुशी में बढ़ोतरी होगी. डार्क थॉट्स, कॉन्शियसनेस, या आप काफ़ी किसी प्रॉब्लमैटिक इश्यूज से गुजर रहे थे फ्रेंड्स, वहाँ से आप ना निकल नहीं पा रहे थे. जैसे मून इज़ द एनर्जी लाइक यू नो, हैवी इंटेंस इमोशन से आप फंसे हुए थे, बट आई डू फील अब आप उनसे निकल पाएंगे. एंड येस, टेकिंग स्लो स्टेप्स, इंटेंशंस, अब आप उनसे मूव ऑन करके टूवर्ड्स हैप्पीनेस और पीस की तरफ बढ़ पाएंगे. लेट अस सी व्हाट इज, लेट अस सी सम एडवाइस कि आपके लिए क्या एडवाइस है या आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए इस न्यू मून. ऑल्सो ये परफेक्ट टाइम है फ्रेंड्स कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए, कुछ प्रे करने के लिए. सो येस, पावर, यू आर वेरी पावरफुल फ्रेंड्स. येस, यही चीज़ मैं आपको कह रही थी कि आपके पास दोनों ही पावर है इस न्यू मून पे, पॉजिटिव थाट की, नेगेटिव थाट की, चिंता की और चिंतन की. तो आप चिंता ना करें और चिंतन करें, यही मेरा सुझाव है आपको. आप बहुत पावरफुल है फ्रेंड्स, यू हैव टू बिलीव इन दैट कि आप बहुत पावरफुल हैं. आप एक मैजिशियन हैं और आप अपनी डेस्टिनी को खुद लिख रहे हैं. आई नो इट सीम्स हार्ड टू बिलीव राइट नाउ, लेकिन आप ऐसा कर रहे हो. सो स्टार्ट टेकिंग एक्शन. एंड प्लेजर, यस, बहुत हार्ड भी मत होइए खुद से. आप बहुत मेहनत करते आ रहे हो, बहुत सारी पेन और बहुत तकलीफ़ें आपने झेली हैं लंबे समय से. सो इस वक्त थोड़ा रिलैक्स भी करें, इन्जॉय भी करें ज़िंदगी को. और व्हाट एल्स यू हैव टू कीप इन माइंड, सॉलिट्यूड, या आपका अकेला रहने का बहुत मन करेगा फ्रेंड्स, क्योंकि आदत हो गई है या तो आपको, या आप बिल्कुल अकेला नहीं रह पाओगे. दोनों ही मुझे लग रहा है. कुछ लोग जैसे उन्हें यू नो, आप लोगों को, कुछ लोगों को आदत हो गई अकेले रहने की. यू नो, समवेयर यू आर लाइक, लोगों के साथ होते हुए भी यू नो, यू आर तन्हा. सो यू नो, तन्हा दिल तन्हा सफ़र की तरह हो गए हो आप. बट आई डू फील कि ये बहुत ही पीपल ओरिएंटेड न्यू मून है आपके लिए. ये देखिए, फ्रेंड्स एंड कलीग्स, तो नए दोस्ती, नए फ्रेंड्स आ रहे हैं. सो डोंट ट्राई टू स्टे अलोन फ्रेंड्स, ट्राई टू मर्ज विद पीपल. कोशिश करें आप, क्योंकि इस पेज ऑफ स्वॉर्ड्स डिफेंसिव हैं आप, पोटेंशियल, येस. आई डू फील कि ऐसे लोग मिलेंगे या ऐसे कनेक्शंस या ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जिनमें बहुत पोटेंशियल है आपके सक्सेस और ग्रोथ के लिए. कम्युनिटी, येस, यू आर गोइंग टू फाइंड पीपल विच आर ऑफ योर वेव लेंथ फ्रेंड्स. आई डू फील रेनबो ट्राइब वगैरह से भी आपको काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग लोग मिल सकते हैं, या इन लोगों से आप कनेक्ट करोगे. रेनबो चिल्ड्रेन हैं, इंडिगो चिल्ड्रेन हैं, और तरह के भी यू नो, आपको अपने तरह के लोग मिलेंगे अभी, और नए तरह के भी. सो कीप एन ओपन माइंड. सो लेट अस सी फ्रेंड्स, एडवाइस क्या है आपके लिए इस न्यू मून. ओह, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, फुल मून इन एक्लिप्स. वाओ, दैट इज वंडरफुल. सो डेफिनेटली कुछ कंक्लूजन्स जरूर हो रहे हैं. कुछ पुरानी तकलीफें, कुछ पुरानी साइकिल्स ख़त्म होंगी और कुछ नई चीज़ें शुरू होंगी. वर्ल्ड का कार्ड भी है, एंड नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन. सो अभी आपकी लाइफ जैसी भी चल रही है फ्रेंड्स, ये आपकी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है.
यहाँ से बदलाव, यहाँ बदलाव की बहुत बड़ी पोटेंशियल है. इट इज़ लाइक यू आर लावा दहक रहा है और इसमें यू नो ज्वालामुखी फटने वाला है. सो यहाँ पोटेंशियल बहुत है आपकी लाइफ में, जिस भी सिचुएशन में आप हो, चाहे मैरिज है, लव है, वर्क है, करियर है, ये फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है फ्रेंड्स. यहाँ से चीज़ें और बेहतर होंगी. नथिंग इज़ येट सेट इन द स्टोन, सो डोंट लूज होप. लाइफ कैन चेंज, लाइफ इज़ गोइंग टू चेंज एंड गेट बेटर. होल्ड योर विजन, येस, कीप होल्डिंग योर विजन, डोंट गिव अप फ्रेंड्स. अगर आप सोच रहे थे कि आप गिव अप कर दो अपने गोल्स पे, ड्रीम्स पे, नहीं फ्रेंड्स, इट इज़ नॉट द टाइम टू गिव अप. इट इज़ द टाइम टू होल्ड योर विजन एंड टू बी दिस मैजिशियन. आपको ये मैजिशियन की एनर्जी में रहना है और एक विच की एनर्जी में रहना है. Man witch, women witch, have faith in your dreams. Yes, believe in yourself, friends. कुछ आपको लग सकती हैं चीज़ें कि आपके you know impossible dreams लग सकते हैं कुछ आपको, जैसे कि अरे हमारी तो शादी हो ही नहीं सकती, हमारी तो दोबारा शादी होगी ही नहीं, वो person तो कभी वापस आएंगे ही नहीं. No, have faith in your dreams, friends. The impossible things do happen और अभी बहुत chance है. So yes. And show the world the real you. Yes, friends, it is time to show. अब आपके लिए जो वक्त है सॉलिट्यूड में रहने का नहीं है, अकेले में छुपने का, तन्हाइयों में तन्हा रहने का नहीं है. ये वक्त घुल मिल जाने का है और यू नो सूरज में चमकने का है. तो शो द वर्ल्ड द रियल यू. येस, इट इज़ टाइम कि आप अपने टैलेंट्स को बाहर लाएँ, दिखाएँ, शेयर करें वर्ल्ड के साथ, अपनी फीलिंग्स को शेयर करें. बिकॉज लोग, आप जैसे लोगों की तलाश है, हमारे व्यूअर्स जैसे लोगों की तलाश है और आपको भी, आप किसी की दुआएं फ्रेंड्स, दैट इज़ व्हाट आई वांट टू से. आपकी, आपको भी दुआओं में कोई मांग रहा है. सो इट इज़ नेसेसरी कि अगर आप छुप के सोशलाइज नहीं कर रहे हो या कुछ बातें नहीं कर रहे हो तो वो दुआ उनकी कैसे कबूल होगी फ्रेंड्स, आप मुझे बताइए. सो इट इज़ टाइम टू शो द वर्ल्ड द रियल यू एंड व्हाट अमेजिंग रीडिंग फ्रेंड्स. अभी के लिए इतना ही. मेरा वक्त भी और अमेजिंग कर दो. चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दो फ्रेंड्स, मैजिक वेंस टैरो को. एंड डू जॉइन अस ऑन इंस्टाग्राम एंड टू बाय अ पर्सनल रीडिंग विजिट आवर वेबसाइट. अभी मैं बुक दूँ फ्रेंड्स, प्लीज़. बहुत सारा, बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, थोड़ा सा वक्त दें. बट मैं आपको जल्दी रिप्लाई बैक करूँगी. एंड अभी के लिए मिस्टिक सी सेइंग बाय 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 बाय.